उम्मीदवारों को सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। आधार कार्ड के अलावा कोई और पहचान पत्र स्वीकार्य नहीं। परीक्षा केंद्रों पर 17,000 CCTV कैमरे लगाए गए। कंट्रोल रूम से हर पल निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने किया परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सुविधा का इंतजाम। यूपी में आज पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। इसको लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। इस संबंध में पुलिस ने केस भी दर्ज किया। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी हुई। ताजा जानकारी की माने शुक्रवार को हो रही पुलिस भर्ती को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि भर्ती के प्रश्न पत्र फिर से लीक हो गए। इस मामले में इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार की तहरीर पर हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम शामिल। यासर शाह पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक की आधारहीन अफवाह फैलाई। हम लोग 7,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माइकानदार आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हैं। 100% लीक प्रूफ एग्जाम करवाने की तैयारी हो चुकी है। 6,000 से ज्यादा सीधी पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं और 1,000 से भी ज्यादा CCTV कैमरे और ड्रोन निगरानी के लिए लगा दिए गए हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगी, जो भी पहला चरण 23 से 25 अगस्त तक तो वहीं दूसरा चरण 30 से 31 अगस्त तक होगा। परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट की परीक्षा 10 से 12 तक होगी तो वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 3 से 5 तक करी जाएगी, जिसके लिए 64 जिलों में 1,154 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। योगी सरकार की तैयारी फुल प्रूफ है। परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसका अंदाजा है कि इस बात से लगाया जा सकता है कि पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस STF LIU सादी वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात है। 134 नोडल अफसर, 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहने वाले हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी परीक्षा हाल ही में एंट्री गेट तक और सिक्योरिटी जाँच तक की बातें ख्याल में रखनी होंगी। पुलिस सिपाही की भर्ती के लिए परीक्षा इसी साल फरवरी में हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यही वजह थी कि इस बार परीक्षा के लिए इंतजाम इतने कड़े किए गए हैं। और अब योगी सरकार आदित्यनाथ इस पर नजर रखे हुए हैं कि सीएम योगी ने 2 साल में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसकी पहली खेप पोली भर्ती में रूप में निकली गई। 24 को 25 अगस्त को 30 और 31 अगस्त को हम लोग 7,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माइकानदार आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य। उम्मीदवारों को सेंटर पर 2 घंटे पहले ही पहुंचना होगा, जबकि अपनी पहचान की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को सेंटर पर फोटो भी दिखाना पड़ेगा। इसी बीच गोरखपुर में STF ने महिला कांस्टेबल समेत 3 युवकों को उठाया। STF ने महिला कांस्टेबल के मोबाइल में यूपी पुलिस भर्ती की प्रवेश परीक्षा देने वाले 5 छात्रों का प्रवेश पत्र बरामद किया है। महिला कांस्टेबल गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक STF सीधे महिला कांस्टेबल के घर पहुंची और महिला कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया।
इसी दौरान एसटीएफ ने दो युवकों को भी पकड़ लिया जो तीनों के साथ लेकर आई। पकड़े गए आरोपियों में एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल का नाम पिंकी सोनकर है, जबकि आरोपी महिला कांस्टेबल श्रवस्ती के तैनात थी। आरोप है कि इसने अपने घर कुछ लोगों को बुलाया था और इसी दौरान महिला कांस्टेबल द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा में पास करवाने का भरोसा दिया गया। आरोप है कि इस दौरान अभ्यर्थियों से रुपयों की मांग भी की गई। पहले ही सक्रिय एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम के मामले को पता चला और सुरक्षा एजेंसियों एक्टिव हो गई। अभी तक हुई जांच के सामने आया कि आरोपी महिला कांस्टेबल अभ्यर्थियों से पैसा जमा करने के काम कर रही थी। दरअसल एसटीएफ ने दिल्ली के जिस युवक को पकड़ा है उसका नाम देव प्रताप सिंह है। आरोप है कि अभ्यर्थियों को पेपर देने का झांसा दे रहा था और महिला सिपाही पिंकी सोनकर अभ्यर्थियों से पैसा जमा करने का काम कर रही थी। महिला सिपाही के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और पैसों के लेन देन के सबूत भी मिल गए। इसी के साथ जो तीसरा युवक पकड़ा गया वो प्राइवेट ड्राइवर का काम करता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ और क्राइम ब्रांच कर रही है, जबकि दूसरी तरफ महिला कांस्टेबल का कहना है कि उसके मोबाइल से जिनके प्रवेश पत्र बरामद हुए वो सभी उसके रिश्तेदार हैं। फिलहाल ये सभी शक के घेरे में आ गए हैं और एसटीएफ हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।